ये आकाशवाणी है। सामिकी में प्रस्तुत है ब्रू रियांग शरणार्थियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्वोत्तर मामलों के जानकार दीपक दीवान और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने मिजोरम के 34,000 विस्थापित ब्रू रियांग आदिवासी लोगों को त्रिपुरा में स्थायी तौर पर बसाने का निर्णय किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार और ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर करीब 23 वर्ष से चल रही इस बड़ी समस्या का हल निकलने की उम्मीद है। दीवान जी, आपसे जानना चाहेंगे ब्रू रियांग का बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये एक इतनी बड़ी मानव समस्या बनी और इस हल से क्या फायदा मिलेगा? देखिए, ये ब्रू जो नाम है, मिजोरम में इनको ब्रू कहा जाता है इन लोगों को, और इनको त्रिपुरा में रियांग बोला जाता है, क्योंकि ये लोग ओरिजिनली तो त्रिपुरा से हैं, मगर बहुत सालों से ये लोग वहां सेटल हो गए थे मिजोरम में, और वहां पे खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चलाते थे। ये लोग मिजोरम के 3 डिस्ट्रिक्ट में बसे हुए थे, एक कोलासिब, दूसरा मामित, तीसरा लुंगले। तो 3 डिस्ट्रिक्ट में ये लोग रहते थे। आपको बताऊंगा कि 1997 में जब रियांग लोगों ने ऑटोनोमस काउंसिल की डिमांड करी तो वहां पे हिंसा भड़क उठी। लोकल मिजोरम के जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और वहां पे इनके साथ बहुत सारे क्लैशेस भी हुए, उपद्रव हुए, और इन लोगों को अपनी जान बचा के शरण लेनी पड़ी त्रिपुरा में। करीब 23 साल से ये लोग वहां पे रह रहे थे और करीब 7 शिविर बनाए गए थे, और उसके बाद भी कई बार कोशिश की गई कि इनको दोबारा वापस त्रिपुरा से मिजोरम भेजा जाए। करीब 7 ऐसे समझौते भी हुए जिसमें वहां के दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली में बिठा के केंद्र सरकार ने उनको राजी किया कि हम उनको वापस लेंगे। मिजोरम चीफ मिनिस्टर ने भी साइन किया हुआ है और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के भी साइन हुए हुए हैं पुराने इसमें। मगर जब जब ये बात होती थी कि इनको वापस भेजने की, तो ये लोग इतने डरे हुए हैं अभी भी। ये मिजोरम जाने के लिए कहते थे कि हमको सुरक्षा के बिना हमारी जिंदगी वहां नहीं होगी, क्योंकि वो अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते मिजोरम में, तो इसीलिए ये लोग जा नहीं पाए और यहीं पे बसे रहे। यहां तक कि पिछले साल भी एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था 2 साल पहले, मगर उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। जबकि मिजोरम में भी 328 ब्रू परिवार हैं जो अभी रह रहे हैं, मगर बाकी लोग जो त्रिपुरा में रह रहे थे उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था कि जब तक हमें पूर्ण सुरक्षा वहां नहीं मिलेगी मिजोरम में, हम लोग नहीं रहेंगे। तो ये मामला इस वजह से लटका हुआ था। तो मेरे ख्याल से एक ये बहुत अच्छा कदम लिया गृह मंत्रालय ने, जिन्होंने दोनों राज्यों की सरकारों को साथ बिठा के इसका परमानेंट एक सोल्यूशन अभी निकाला है। उसमें त्रिपुरा सरकार राजी हो गई है इन सबको अपने राज्य में बसाने के लिए। आपने बताया कि ये लगभग 1997 से ये चला आ रहा है, और उनको जो ब्रू रियांग के जो ट्राइबल्स हैं उनको मिजोरम में जनजातीय संघर्ष के कारण वो राज्य छोड़कर त्रिपुरा में अस्थायी रूप से शरण लेनी पड़ी थी। किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा था इन ट्राइबल्स को, जिसके कारण इन्हें अपना घर या राज्य छोड़कर त्रिपुरा में शरण लेनी पड़ी? मिजोरम एक पूर्णतः क्रिश्चियन स्टेट है और वहां पे मिजो जो है वो बाहर वालों के साथ हमेशा, कभी ना कभी आप पढ़ते रहे होंगे अखबारों में, जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो वो एकदम से उतावले हो जाते हैं और नॉन मिजोस के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, और ये लोग तो वहां रह रहे थे, तो इसी वजह से इन लोगों को वहां छोड़ना पड़ा। आपको याद होगा जब भी पिछली बार मिजोरम में इलेक्शन हुए थे तो इन ब्रू जो कैंप्स में रह रहे थे त्रिपुरा में, उनके वोटिंग की बात हुई तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम इनका इंतजाम करेंगे, इनको मिजोरम में आके अपना वोट डालने का अधिकार है और डालेंगे। मगर वहां के जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा नहीं, हमारे मिजोरम की कोई बस नहीं जाएगी और इन लोगों को पैदल आके वोट करना पड़ेगा। तो वो बॉर्डर पे मेरे ख्याल से एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे पोलिंग बूथ सब जगह, तो इस वजह से ये लोग वोट नहीं कर पा रहे थे। इस तरह की हालात है वहां, जहां पे इनको लगा कि हमारे साथ भेदभाव रहेगा हमेशा, इसलिए वो छोड़ के आ गए। जो लोग छोड़ के आ गए वो त्रिपुरा में बसे हैं, बाकी अभी कुछ लोग वहां रहते हैं। कल गृहमंत्री अमित शाह का बयान आया और उन्होंने बताया है कि इस नई व्यवस्था के अंतर्गत विस्थापित परिवारों को आवासीय प्लॉट दिया जाएगा, उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी, और पहले समझौते के अनुसार उन्हें 4 लाख रुपए
फिक्स डिपॉजिट में दिए जाने की बात थी। 2 साल तक 5,000 रूपए प्रतिमा नगद सहायता भी दी जाएगी और 2 साल तक फ्री राशन व मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रूपए भी दिए जाएंगे। आपको लगता है कि इन सब कदमों से वहाँ पे जो ये विस्थापित कम्युनिटी है इसे रहने में मदद मिलेगी? और इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे दीवान जी आपसे कि वहाँ पर क्या त्रिपुरा में भी कुछ इनके आने से कुछ विवाद उत्पन्न होने की स्थिति बन सकती है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये 23 साल पुराना विवाद आप अंदाजा लगाइए कैसे 30,000 लोग 7 कैंपों में, ये लोग किस हालात में वहां रह रहे थे, इनके साथ हेल्थ इश्यूज भी थे। जब वो बीमारियों का प्रकोप होता था तो ये लोग बेचारे भी इफेक्ट होते थे। जब एपिडेमिक हुआ तो यहां के लोगों को बीमारियां फैली, तो इस हालात में ये लोग रहे। अब जब जाके इनको नई जिंदगी, नया भविष्य मिलने जा रहा है, मेरा विचार यह कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और रियांग क्योंकि ओरिजिनली त्रिपुरा के ही वासी हैं, क्योंकि कुछ लोग बाहर चले गए थे अब वो वापस आए हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ इस पे विवाद नहीं होना चाहिए। जी, अभी त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और कई बार ये पढ़ने में आता है कि त्रिपुरा में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोग इस ब्रू रियांग कम्युनिटी का थोड़ा विरोध करते आए हैं और ऐसी ब्रू रियांग जो है वो ये चाहते हैं कि त्रिपुरा में जो कुछ इलीगल माइग्रेंट रह रहे हैं बांग्लादेशी के, उन्हें वहां से निकाला जाए। ऐसे में ब्रू रियांग को जो विस्थापित कम्युनिटी है उन्हें त्रिपुरा में रहने दिया जाए, जो ये समझौता हुआ है उसके लिए, उसके कारण क्या कुछ रीजनल तनाव हो सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई तनाव होगा, क्योंकि देखिए वो तो वहीं के वासी हैं और वहीं पे अगर सरकार ने उनको सेटल करने का फैसला लिया है तो के लोगों की भलाई के लिए किया है। और जो आप कह रहे हैं, जो उन्होंने फिगर बताई 4 लाख रुपया और 5,000 रुपया महीना 2 साल के लिए और 1.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए, ये एक जिंदगी की नई शुरुआत के लिए है। देखिए 23 साल तक ये लोग वहां शरणार्थी की तरह रहे हैं, स्टेटलेस पीपल, ना इधर के ना उधर के, मिजोरम के थे, वहां वोट भी नहीं डालने जा पाए, तो अब ये त्रिपुरा के नागरिक बनेंगे, इनको यहां पे वोटिंग राइट भी मिलेगा। और जो हर व्यक्ति को सरकार की स्कीम का फायदा होता है, अब इन लोगों को भी वही फायदा मिलेगा। और इनमें जो फिजिकली फिट लोग हैं वो भी पुलिस में या आर्मी या और सिक्योरिटी फोर्सेज में ज्वाइन कर पाएंगे। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट के लिए बहुत से कदम उठा रहे हैं, ऐसे में ब्रू रियांग कम्युनिटी को बसाने से क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इन लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को? जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो इनको स्टेटस मिल गया नागरिक का, अभी तो शरणार्थी थे, इनका कोई अधिकार नहीं था किसी चीज पे, जो सरकार ग्रांट दे देती, राशन दे देती, उस पे ये लोग जी रहे थे। अब वो नागरिक के तौर पे, जो एक नागरिक के अधिकार होंगे त्रिपुरा में, वही अधिकार इनको भी प्राप्त होंगे। ये एक अच्छा कदम है शांति बहाल करने में। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो एक मिलिटेंसी की समस्या जो आप बता रहे हैं कि चाहे नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो और त्रिपुरा में, इन चीजों में जो ब्रू रियांग के अब ये परिवार को इसमें बसाया जा रहा है और ये लोग जॉब्स की ओर आगे जाएंगे, तो इस तरीके से कुछ जो मिलिटेंसी की समस्या होगी वो थोड़ी सी कम होगी आगे, क्या लगता है आपको? अभी 2-3 दिन पहले जो त्रिपुरा का एक और आउटफिट है NLFT, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, तो त्रिपुरा मेरे ख्याल से अब टोटली शांतिपूर्ण स्टेट मानी जाएगी, अब वहां कोई मिलिटेंसी नहीं है और पूरा माहौल नॉर्थ ईस्ट का चेंज हो रहा है। तो सरकार बातचीत के दौरान ये पूरी समस्या का समाधान कर रही है और काफी सफल भी हो रही है। पूरे समझौते पे आने में क्या ऐसी परेशानी रही कि इस पूरे समझौते को अमली जामा पहनाने में 23 साल लगे? करीब 7 बार ऐसे एग्रीमेंट पहले हुए जिसमें इनको दोबारा वापस भेजने की बात कही गई, मगर वो क्यों नहीं सफल हुए? क्योंकि जो शरणार्थी हैं वो अपने आप को मिजोरम में सुरक्षित नहीं समझते और वो नहीं जाना चाहते थे। और जो वहां अब बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, तो उन्होंने एक दूसरे का समस्या को समझ के इस पे मानवीय सोच से इसका निष्कर्ष निकाला है, जिसके तहत अब इन लोगों को नागरिकता देके शांतिपूर्ण वहां बसाएंगे। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सामिकी में अभी आप सुन रहे थे ब्रू रियांग शरणार्थियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्वोत्तर मामलों के जानकार दीपक दीवान और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।